अभी एक स्विमिंग पूल क्लीन करने के बाद, वैक्यूम करने के बाद हम लोग कैसे डेकोरेट करते हैं आप लोग के, एक छोटा सा वीडियो आप लोग के लिए। पहले सबसे पहले अभी हम लोग स्विमिंग पूल क्लीन कर लिया है, अभी डेकोरेट करने हैं। डेकोरेट करने के टाइम उसके सबसे पहले याद रखना है ये पंप बंद करना है, पंप चालू नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये पंप चालू रखिए, हम लोग इधर वेल बदल करके जाएंगे, मल्टी वेल नुकसान हो जाएगा। सबसे पहले सब पंप बंद करते हैं, इसके बाद हम लोग क्या करेगा, ये बैकवॉश, ये वेल बैकवॉश ओपन करेगा, इधर भी ओपन हो गया ना बैकवॉश, ये मल्टी वेल ये क्या करेगा, अभी फिल्टर मोड में रहता है, ये फिल्टर मोड से हम लोग बैकवॉश मोड में लेके आना है। सबसे पहले ऐसे नीचे दबाएगा, ठीक है, ऐसे नीचे दबा के ऐसे ऐसे घुमाएगा, घुमाएगा बैकवॉश में रहना चाहिए, इधर भी बैकवॉश में रहना चाहिए, ये वैल बहुत ध्यान से करना चाहिए। ये बैकवॉश मोड में हो गया, ये भी बैकवॉश में चल गया, उधर भी बैकवॉश हो गया, ये मंजर वैल ये बैकवॉश हो गया, एक इसे नीचे दबा के ये भी बैकवॉश में जा देगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा है आप जगह में कैसे करते हैं, ये भी बैकवॉश ठीक है सीधा हो गया, वह ओपन हो गया, ये भी बैकवॉश कोइन में डालेगा। अभी पूरा मंच बैकवॉश डाल दिया, ये पानी में जाता है ना बार, वो भी बैकवॉश कोइन ओपन कर दिया। हम लोग अभी क्या करेगा, ये पंप चालू करेगा, पंप चालू करेगा, ठीक है। अभी स्टार्ट हो जाएगा, पानी बैकवॉश चालू हो जाएगा, देख रहे ये इधर देख रहे, इधर एक जगह रखा हुआ आप लोग को देखने के लिए, उसमें आप लोग देख सकते हैं पूरा कचरा पानी बाहर निकलेगा, देखिए इधर से नजर आ जाएगा, ठीक है। अभी बैकवॉश में क्या होता है, ये सैंड फिल्टर है, ये सैंड फिल्टर बैकवॉश करने के टाइम को नीचे से पानी कम करके ये पूरी पूरा कचरा ऊपर लेके आता है, एक अच्छा ऊपर लेके आने के बाद ये ऊपर आने के बाद ये लाइन से बैकवॉश लाइन से ये पूरा ड्रेनेज लाइन में चला जाएगा, इसके मतलब वेस्ट टाइम में बाहर चला जाएगा, ठीक है। एक अब देख रहे इधर पानी अच्छा पानी जा रहा है, इसमें अच्छा पानी जाएगा तो नजर आ जाता है, ये नजर आने के बाद आप लोग बैकवॉश करने के बाद रिंस करने हैं। रिंस के मतलब क्या है, बैकवॉश ऊपर से पानी दिएगा, एक अच्छा ऊपर लेके जाके ऐसे बाहर करता है, रिंस के मतलब ऊपर से पानी आएगा पूरा ऐसे आएगा दोबारा ये पहले कैसे था ऐसे सेटिंग हो जाएगा, ठीक है। ये पानी की वेस्ट लाइन में चला जाएगा रिंस की, ठीक है। अभी हम लोग बैकवॉश करता है, देखिए इधर कितना कचरा निकल रहा है, सफेद पानी आने के बाद अच्छा पानी आने के बाद हम लोग रिंस मोड में आ गया, ठीक है। अभी सब क्लीन हो गया होगा, ठीक है, अभी जब नजर आता है ना, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेगा, अच्छा पानी इधर से निकलता है ना, इसमें नजर आता है अच्छा पानी आ गया, इसका मतलब ये कचरा थोड़ा निकल के चला गया। इसके बाद रिंस मोड में रिंस करते हैं, ठीक है। पंप बंद करेगा, पंप बंद रख के मल्टी वायर कभी भी आप लोग ऑपरेट मत कर ले, लासम पंप बंद होना चाहिए, नहीं तो ये पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा, ठीक है। अभी पंप बंद हो गया, इसके बाद हम लोग बैकवॉश हो गया, ठीक है, अभी तक पूरा बाहर निकल गया। एक बार हम लोग रिंस मोड में रिंस करने हैं, ठीक है। ये भी ऐसे नीचे दबाएगा, प्रेस करेगा, ऐसे रिंस मोड में डालना है, ये मल्टी वायर रिंस मोड में डालना है, ठीक है। रिंस मोड के मतलब ये अभी पूरा नीचे से ऊपर पानी आया, कचरा निकल दिया, अभी ऊपर से पानी दिएगा रिंस मोड में, पूरा दोबारा ये फिल्टर जैसे पहले था सेट हो जाएगा, ठीक है। ये पानी भी वो वैसे वेस्ट लाइन में चला जाएगा, अभी ये रिंस मोड में डाल दिया, ये पानी भी बैकवॉश लाइन में है, ठीक है। ये भी आप लोग अभी ये वैल भी रिंस मोड में डालना है, ठीक है, और ये भी नीचे दबा के रिंस मोड में डाल दें, ठीक है। अच्छा चला दिया, ठीक है। अभी रिंस मोड हमने हम लोग डाल दिया,
चेक कर ले रिंग्स 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 वैल खोला हुआ वैल खोला हुआ वैल खोला हुआ ठीक है। जैसे रिंग्स मोड में डालते हो एक्वस में डालते वैल बंद करोगे तो इसमें नुकसान हो जाता है पाइप पच जा सकता है ठीक है। इसलिए इसमें लास्ट हम वैल केयर करना पड़ता है वैल पहले खोलना पड़ता है ठीक है। क्यों ये प्रेशर पंप मतलब पंप का अगर निकल प्रेशर आता है वैल बंद हुआ तो पानी किधर जाएगा पाइप पच जाएगा। सबसे पहले ये भी चेक करना है ये भी ठीक है वैल खोला हुआ ठीक है रास्ता खोला हुआ। उसके बाद हम लोग पंप चालू कर दे दोबारा रिंग्स मोड पे भी पच्चीस में था अभी ये मीटर कितना दिखा रहा है 10। इसके मतलब अभी ये सैंड मीटर क्लीन हो गया मीटर क्लीन हो गया इसके मतलब अभी एक स्विमिंग पूल में ये मीटर 10 से 20 तक होना चाहिए नॉर्मली जो 20-25 से ऊपर चल जाता है इसमें कोई मसला है। तो हम लोग देख रहे हैं मीटर सैंड मीटर अभी तो हम लोग कैटूम किया ना स्विमिंग पूल क्लीन किया इसलिए हम लोग अच्छे से मालूम है ये सैंड मीटर कंगा रह गया इसलिए वो प्रेशर ज़्यादा देखा गया। अभी हम लोग क्लीन करने के बाद बैकवॉश करने के बाद इसमें मीटर 10 देखा रहा है इसके मतलब ठीक है अच्छा प्रेशर लेवल अच्छा है ठीक है। थैंक यू ठीक है।